तो यार डब्ल्यू पीजी डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की काउंसलिंग की मेन राउंड तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है मॉपअप राउंड भी खत्म हो गई और एडमिशन भी ले लिया है तो देखो यार इसमें डब्ल्यूपीजी डब्ल्यू की तरफ से डिफेंस कोटा काउंसलिंग भी होती है जो मेन राउंड के बाद होती है जनरली तो इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे जो डिफेंस कोटा से रहते हैं उनके लिए कुछ सीट्स वैकेंट रहती है तो उसके ऊपर ही ये काउंसलिंग होती है तो देखो ये काउंसलिंग कब होने वाली है तो द काउंसलिंग ऑफ द डब्ल्यूजी डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मेटलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर सीट्स रिजर्व अंडर डिफेंस कोटा फॉर एडमिशन टू फोर ईयर डिग्री कोर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेस इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द एकेडमिक सेशन ऑन 29 अगस्त को ये होने वाली साढ़े बारह बजे से होगी ये सॉल्ट लेक सेक्टर वन में तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू बोर्ड की जो ऑफिस है वहां पर तुम्हें जानी होगी यहां पर तुम्हें लैंडमार्क दिया गया है, नियर डीबी पार्क ऑपोजिट टू द विधान नगर कॉलेज तो तुम्हें यहां पर जानी होगी अगर तुम डिफेंस कोटा से हो तो तुम्हारे लिए काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है तो देखो 116 स्टूडेंट की एक लिस्ट निकाली गई है वो लिस्ट मैं तुम्हें नीचे दिखा दूंगा तुम चाहो तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो अगर तुम अपने नाम वहां पर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो वहां पर मैं तुम्हें यह पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तुम वहां से चेकआउट कर लेना या फिर तुम्हें यह बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी तो देखो ये जो लिस्ट है ये सेंड किया गया राजकीय सैनिक बोर्ड होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जिसमें से पचास कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है डिफेंस कोटा के फर्स्ट काउंसलिंग में और उसकी लिस्ट जो है नीचे दी हुई है उसी में से टॉप फिफ्टी जो कैंडिडेट्स है उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर इस एड्रेस पर उन्हें जाना है और उनकी काउंसलिंग होगी तो देखो फर्स्ट फिफ्टी कैंडिडेट्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है डब्ल्यू बी डब्ल्यू की रैंक कार्ड लेकर जानी है उसकी फोटो यानी कि रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लेना एक वो ले लेना और उसकी एक फोटोकॉपी भी करवाकर साथ में लेकर जाना ओरिजिनल बर्थ प्रूफ भी तुम्हें लेकर जानी है साथ में उसकी फोटो कॉपी ले लेना ओरिजिनल टेन प्लस टू की मार्क्सिट यानी कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इंटर की मार्क्सिट तुम्हें ले जानी है, उसकी भी फोटो कॉपी करवा लेना और एक, एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ तो रीसेंट फोटो होना चाहिए मिली होगी उसकी भी तुम सीट अलॉटमेंट लेकर वहां पर जान अब देखो टोटल थर्टीन रिजर्व सीट्स है डिफेंस कोटा में जिसमें कि ग्यारह सीट्स जो है डिफरेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में और दो सीट जो है जादबपुर यूनिवर्सिटी में यानी कि टोटल थर्टीन सीट्स है में 116 कैंडिडेट्स है जिसमें 50 कैंडिडेट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाई जा रही है इसमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद तो उन्हें अगर वहां एडमिशन लेनी होगी तो वो लोग लेंगे अगर फिर से सीट्स रह जाती है थर्टीन में सपोज थ्री सीट्स फिर बच गई तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से उन्हें बुलाया जाएगा जो मतलब 50 के बाद जो नीचे रह गए वन हंड सिक्सटी तक उन सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा नीचे मैं लिस्ट भी तुम्हें अभी दिखा दूंगा अगर तुम डिफेंस कोटा से हो तो तुम्हारे लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है तुम्हारे लिए जादपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम जहां वेस्ट बंगाल में एडमिशन करवाओगे तो तुम्हारे लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है वो तुम्हें बता दिया गया है जादापुर यूनिवर्सिटी अगर अलॉट होगी तो उसकी स्टीम और ब्रांच जो है वो बाद में तुम्हें फाइनल अलॉटमेंट के बाद यानी कि अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है फिर सेकंड काउंसिलिंग होगी तो फाइनल अलॉटमेंट के बाद तुम्हें पता चलेगी कहां पर तुम्हें मिल रही है यानी कि कौन सी ब्रांच तुम्हें मिल रही होगी जादापुर यूनिवर्सिटी में अब देखो यहाँ पर लिख दिया गया कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर तो देखो मैं तुम्हें पहले ही दिखा देता हूँ जनरल मेट रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है 250, 604, 752, इसके अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे तक यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा टोटल सिक्सटी टू कैंडिडेट्स यहाँ है। उसके बाद देखो टू तो लेकर यहाँ पर 116. टोटल कैंडिडेट्स हैं इसमें से फर्स्ट फिफ्टी कैंडिडेट्स को पहले बुलाया गया है तो वो जो एड्रेस दी गई है उन्हें वहीं पर जानी होगी फर्स्ट फिफ्टी कैंडिडेट

और उसके बाद अगर इसमें से जो भी बच जाते हैं एडमिशन लेने के बाद भी अगर सीट बच जाती है अगर कुछ कैंडिडेट्स नहीं लेते हैं या फिर कुछ का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता तो उसके बाद नीचे वाले कैंडिडेट्स को चांसेस दिया जाएगा अब देखो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट भी फिजिकली प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ काउंसिलिंग विद ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स टू गेट एन अलॉटमेंट तुम्हें वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होनी होगी ट्वेंटी अगस्त को साढ़े बजे याद रखना डेट को मिस मत करना उस दिन तुम्हें डब्ल्यूपीजी बोर्ड की जो ऑफिस है सॉल्ट लेक सेक्टर वन में वहां पर तुम्हें जानी है अब ये सारी चीजें तो मैंने पहले बता दिया कि अगर सीट वैकेंट रहती है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद तो उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को चांसेस दिया जाएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और जैसे ही कोई कैंडिडेट किसी सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी होगी है डिफेंस कोटा की तो वहां पर फर्स्ट राउंड में जो भी कैंडिडेट सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें नेक्स्ट राउंड में कोई चांस नहीं दिया जाएगा उसके बाद बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को चांसेस दिया जाएगा अगर सीट वैकेंट रहती है तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अगर ये वीडियो तो हेल्पफुल लगी तो अपने डिफेंस कोटा वाले फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दो उन्हें भी हेल्प मिलेगी और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आने वाले वीडियो भी तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है कैसे तुम्हें कॉलेज की जर्नी स्टार्ट करनी है कैसे तुम्हें प्लेसमेंट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो